तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रेशमी चिकन की रेसिपी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट, बहुत ही झटपटी बनी होती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। देख सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बन के तैयार होती है और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। आप इसको दावत वगैरह में बना के खाइए, बहुत ही मज़े की लगती है। चलिए देख लेते हैं हम इसको कैसे बनाया। आप इसको रोटी पराठे या फिर कुलचे के साथ सर्व कीजिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। रेशमी चिकन बनाने के लिए यहाँ पे हमने 500 ग्राम चिकन लिया, जिसको हमने अच्छे से तीन चार पानी से धो लिया था। धोने के बाद पानी के इसको हमने ड्राई कर लिया था। अब सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1 टीस्पून ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब अपने हिसाब से डालिएगा, जिस हिसाब से आपका चिकन वगैरह हो आप उस हिसाब से जो है आप बढ़ा घटा सकते हैं। और 1 टीस्पून ही इसमें हम नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम जो है धनिया पाउडर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं आते हैं, बहुत ही कम मसालों से ये बनकर तैयार होता है और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। एक बार आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इसी के साथ ही 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून ही इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे। अब अच्छे से इसको भर के कसूरी मेथी डालिएगा, इसमें बहुत ही अच्छा आता है। गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, आपके पास जो भी घर में अवेलेबल हो आप उसको डाल सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम दही डाल देंगे। दही थोड़ा तीखी वाला लीजिएगा तो इससे बहुत ही अच्छा से ही बन के तैयार होता है। ना ही बहुत ज़्यादा खट्टा आप दही लीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा मीठा। नॉर्मली जो आप यूज़ करती हैं दही आप उसको ले लीजिएगा। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून जो है नींबू का रस डाल दीजिएगा। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो इसमें 1 टीस्पून जो है विनेगर डाल दीजिएगा, या फिर अगर आपकी दही बहुत ज़्यादा खट्टी है तो आप इन दोनों चीज़ को ही स्किप कर दीजिएगा। डाल के सभी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद जो है 10 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से रख देंगे, या फिर अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप कम से कम इसको आधे घंटे के लिए ज़रूर रखिए। यहाँ पर इसको हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से साइड रख देंगे। और चलिए इसके आगे की जब तक तैयारी कर लेते हैं। इसको अच्छे से आप जो है मिक्स कर दीजिएगा ताकि मसाले वगैरह सब अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने ऐसे मसाले लगा दिए। अब इसको 10 मिनट के लिए हम इसी तरह से रख देंगे। इसी के साथ ही यहाँ पे हमने एक ग्राइंडर जार ले लिया है। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसको हमने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। हमें इसको ग्राइंडर जार में डाल लेना है। इसी के साथ ही यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्ची ली हैं और 6 से 7 जो है काजू लिए हैं साबुत वाले। और आप चाहे तो टूटे वाले काजू है तो यहाँ पे आप 10 से 12 ले लीजिएगा। इसमें यहाँ पे हमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना। इसी तरह से हमें इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। इधर हमने इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं अगर आपको ये नहीं बारीक हो रहा है तो इसमें आप यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल लीजिएगा। डालने के बाद इसका इस तरह से फाइन पेस्ट तैयार कर लिए। चलिए अब शुरू करते हैं इसको बनाना। इधर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हम 1 तेज पत्ता डाल देंगे, 1 छोटी इलायची, 1 लौंग, 1 दालचीनी का हमें टुकड़ा डाल देना है। सभी मसाले हमारे तेल में अच्छे से क्रैकल हो जाएंगे तो यहाँ पर हमने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा था हमें उसको डाल देना है। डालने के बाद फ्लेम पे यहाँ पर हमने हाई रखा है, हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छे से जो है पका लेंगे। यहाँ पे हमने काजू वगैरह भी इसके साथ में पीसा, इसलिए आप इसे चलाते रहिएगा, फ्लेम को हाई रखिएगा। हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक और प्याज का कच्चापन खत्म होने तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। आप इसको लगातार हाथ से चलाते रहिए क्योंकि इसमें काजू वगैरह पड़ा है तो इसलिए ये जो है तले में लगने लगता है। इधर हमने फ्लेम को हाई रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे हम इसको 1 से 1.5 मिनट हो गया है। हमें चलाते हुए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारे प्याज कच्चापन वगैरह जो है खत्म हो गया। इसमें से एक अच्छी चीज़ थोड़ी सी खुशबू आने लगी और हल्का हल्का से इसका कलर जो है वो चेंज होने लगा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्याज पिसी हुई है इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है इसका कलर चेंज नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ये इसको आप गोल्डन लाल नहीं कर सकते हैं। इतना इसको आपको फ्राई करना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और हल्का से इसमें से गोल्डन कलर से आ जाए। इसमें हमारा कच्चापन खत्म हो चुका है, गोल्डन कलर आ गया। अब जो हमने अपने चिकन को मैरिनेट करके रखा था यहाँ पर हमें उसको डाल देना है। डालने के बाद जो इसमें मसाले वगैरह हैं आप उसको भी डाल दीजिएगा। यहाँ पर पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसी तरह सभी मसाले वगैरह डाल दीजिए। फ्लेम को यहाँ पे हमें बिल्कुल मीडियम से लो कर देना है। लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इधर हमने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं मसाला वगैरह हम अच्छे से मिक्स हो गया है। फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम टू लो कर दिया है। हमारा चिकन वगैरह जो है वो अच्छे से पका है, इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके 3 से 4 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब बीच बीच में आप इसको 1 से 2 बार जो चला दीजिएगा क्योंकि ये तले में लग भी सकता है क्योंकि इसमें काजू वगैरह पड़ा है। इधर हमारे चिकन को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा चिकन पक चुका है, मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, तेल वगैरह सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। 1 मिनट तक यहाँ पे हमें फ्लेम हाई करके इसको पका लेना है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का ये बनके तैयार होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए तेल वगैरह इसमें से अच्छे से सेपरेट हो चुका है, देखने में जितना मज़े लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। एक बार आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इसी तरह से हम फ्लेम को हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छे से 1 मिनट तक और भून लेना है। मसाला वगैरह हमारा और अच्छे से भून जाए, चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है।
देख सकते हैं हमें चिकन को और ज़्यादा नहीं पकाना है। एक मिनट हो गया है हमारा चिकन को पकते हुए, अब देख सकते हैं फ्लेम को यहाँ पे हमने बिल्कुल मीडियम टू लो कर दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून जो है यहाँ पे दूध में की मलाई डाल देंगे। आप चाहें तो आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप उसको भी डाल दीजिएगा, और इसी के साथ ही 1/2 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे जिसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, और रोस्ट करके इसको हाथों से क्रश करते हुए हमें इसमें डाल देना है। डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को यहाँ पे आप बिल्कुल लो कर दीजिएगा, लो फ्लेम पे ही मलाई डालिएगा, या फिर आप गैस को जो है बंद कर दीजिएगा। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आप 1 मिनट तक इसको अच्छे से पका लीजिए, फ्लेम को लो ही रखिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाइएगा, नहीं घी वगैरह छोड़ देता है तो फिर हमारी जो है वो अच्छा नहीं लगेगा चिकन जो है, इसलिए इसको लो फ्लेम पर ही हम अच्छे से मिक्स करते हुए इसको इसी तरह से जो है पका लेंगे। इधर हमने 1 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पर पका लिया, बहुत अच्छे से हमारा मसाला वगैरह अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब इसमें यहाँ पे हम 1 कप के आसपास पानी डाल देंगे। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, अगर आप ग्रेवी इसकी बहुत ज़्यादा पतली रखना चाहते हैं तो आप पानी क्वालिटी अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप इसमें पानी डाला है। इसकी ग्रेवी थोड़ी सी ठीक ही रहती है तो ये खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरह से आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर लेंगे, और कवर करके 2 से 3 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि हमारा जो चिकन जो थोड़ा बहुत बाकी वो भी अच्छे से पक जाए और इसकी ग्रेवी वगैरह अच्छे से पक जाए। इधर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन के पकते हुए, आप देख सकते हैं हमने फ्लेम को बंद कर दिया है, हमारे चिकन पक चुका है। चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं देखने में जितना मजा लगेगा खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इधर हमारा रेशमी चिकन एकदम सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसको चपाती रोटी के साथ, रुमाली रोटी के साथ, या फिर आप पराठों के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में, बहुत ही टेस्टी होते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं देखने में जितने मज़े के लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है।